क्लास सिक्स मैथ्स एंड सीआरटी चैप्टर 9.1 एक्सरसाइज को सॉल्व किया जा रहा है या ऑनलाइन क्लासेस वीडियो एसपी मार्गदर्शन कोई रोड टू श्रीनगर के द्वारा आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। मैथ की क्लास लेने वाले क्लास सिक्स के सभी स्टूडेंट यह ध्यान देंगे कि यह डाटा हैंडलिंग का क्वेश्चन है, तो डाटा हैंडलिंग में सबसे पहले आपको देखना होगा रॉ डाटा, क्लास इंटरवल, फ्रिक्वेंसी या अन्य नंबर को देख करके उसको डिप्लीशन को बुक में उसको नोट कर, इसके बाद से जो भी संख्या है इस तीन बातों को ध्यान रखेंगे कि ये जो होता है सबसे पहले उस अंकों को या संख्याओं को या जो भी टॉपिक है उसको अरेंज करने के लिए आपको तीन बातों का ध्यान रखना होगा। या तो वह सीरियल से हो, सीरियल से हो, दूसरा या अल्फाबेटिकल हो, या तीसरा जो है एसेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर है। जो भी आपको ऑब्जर्वेशन होगा, ऑब्जर्वेशन ये करते हैं कि जो आपको दिया हुआ रहेगा कि किस चीज को क्या करना है, तो सबसे पहले उसको अरेंज करते हैं। जो मैंने बताया है इस बात को आपको ज्यादा ध्यान रखना होगा, यदि ये ध्यान नहीं रखते हैं तो आपका क्वेश्चन सॉल्व करके गलत हो सकता है, क्योंकि आप जो है उसको सॉल्व करेंगे तो उसमें इतने बातों को ध्यान रखें कि वह सीरियल वाइज हो, फर्स्ट सेकंड में नहीं सीरियल वाइज तो अल्फाबेटिकल हो, ए बी सी डी करके इस तरह से, तीसरा है उसको अरेंज कीजिए एसेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, जब ऐसा करेंगे तो आपका आंसर सही आएगा। यदि ऐसा नहीं करेंगे, इन तीनों पर ध्यान नहीं देंगे तो आपका आंसर करेक्ट नहीं आ सकता है। आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट में है इन मैथमेटिक मैथमेटिक्स टेस्ट ऑफ फॉलोइंग नेक्स्ट वेयर ऑप्टेन बाय 40 स्टूडेंट अरेंज दिस मार्क्स इन द टेबल यूजिंग टैली मार्क। देखिए ये मार्क्स है टैली मार्क, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स, इस टैली मार्क्स के लिए आपका टू है, इसमें इसको देखेंगे ये थ्री है, ये थ्री है, ये जो है सेवन है, तो इसको बनाइए, ये सिक्स है तो इसको बना करके रखे, फिर सेवन है इस टैली मार्क को रखिए, फाइव है, फोर है, थ्री है, इस तरह से आप इस टैली मार्क को लिखते हैं। एक एक नंबर मार्क्स हो गया, टैली मार्क्स हो गया, नंबर आप इसको जाने, इसके बाद से आपको क्या करना है अरेंज कर लिए, इसका आंसर भी लिखना है। फर्स्ट में फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट और टेस्ट मार्क इक्वल टू आर मोर देन सेवन, ये क्या है इक्वल टू, ए इक्वल टू आर मोर देन सेवन, इक्वल टू आर मोर देन सेवन, देखिए सेवन के बराबर या सेवन से अधिक कितने हैं, तो आप इसको सेवन के बराबर में देखिए सेवन है या इससे अधिक में कितने हैं, कितने स्टूडेंट है इसको काउंट करना पड़ेगा। मार्क्स इक्वल टू सेवन और मोर देन सेवन, तो सेवन में है फाइव और एट कितने हैं फोर, फाइव फोर नाइन, और नाइन कितने हैं थ्री, नाइन और थ्री ट्वेल्व स्टूडेंट्स कितने हैं, ये ट्वेल्व स्टूडेंट्स कितने हैं। इसके बाद से बी है, तो बी है हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स बिलो फोर, फोर से कम कितने अंक पाए, कितने स्टूडेंट पाए, तो इसको काउंट कर लीजिए टू थ्री फाइव और थ्री एट और थ्री एट, तो एट स्टूडेंट्स
एक स्टूडेंट कम नंबर पाए, ठीक इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। यही डाटा हैंडलिंग का फर्स्ट क्वेश्चन है और सेकंड और थर्ड पार्ट में देखेंगे, इसमें कुछ और करेंगे, फिर इसके बाद मैं इसमें से और एक इसका वीडियो लूंगा और थोड़ा सा इसको पहले कर। इसी के साथ मैं वीडियो आज